है। अ फिंगरप्रिंट रीडर इज यूज टू आइडेंटिफाई द पीपल। अ कंप्यूटर स्टोर्स द फिंगरप्रिंट ऑफ सेवरल पीपल। व्हेन अ पर्सन प्लेसेस अ फिंगर ऑन द रीडर द फिंगरप्रिंट इज स्कैन एंड सेंड टू द कंप्यूटर। ओके, तो जो स्कैनर लगा होता है उस मशीन के अंदर, ठीक, उसको कंप्यूटर क्या करता है, जब वेन एवर यू प्लेस योर थम और फिंगर ऑन अ स्कैनर, तो वो क्या करता है, स्कैनर जो है वो आपकी फिंगर का पैटर्न रीड कर लेता है। ठीक है, डिफरेंट काइंड के पैटर्न अल्लाह ताला ने बनाए हैं हमारे हैंड्स पे, ठीक है ना। और ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि किसी हर पर्सन का यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। किसी भी दो पर्सन के फिंगरप्रिंट नेवर बी सेम, कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो हर फिंगर का प्रिंट, हर अगर आप अपनी फिंगर्स को भी चेक करेंगे तो उनके ऊपर डिफरेंट फिंगर्स के स्टाइल बने हुए हैं। देखें उसमें लूप है, कईयों के ऊपर लूप बना हुआ है इस तरह, ठीक है, सर्कुलर लूप बना हुआ है, ये वाला लूपिंग बनी हुई है ऐसे। कईयों के ऊपर क्या है, डबल लूपिंग है, यानी कि एक लूप है उसके अंदर दूसरा लूप है। कईयों के अंदर वर्लिंग है, कर्लिंग है, ठीक है, इस तरह राउंडेड। कईयों में आर्च है, जो तीर की तरह नहीं होती है आर्च। तो जो भी पैटर्न होता है, बट ये भी जो पैटर्न है डिफरेंट, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो जब कार्ड रीडर सॉरी फिंगर रीडर के ऊपर इसको रखते हैं, वो इसको स्कैन कर लेता है और मैच कर लेता है, और मैच करने के बाद क्या करता है, आपको अलाउ कर देता है कि आप ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं। अगर आप देखें एक एक मशीन के ऊपर आपकी फिंगरप्रिंट आ गए, ठीक है, ये वाला पैटर्न उसने सेव कर लिया। अब उस मशीन के ऊपर अगर वो कोई दूसरा बंदा आता है जिसका फिंगरप्रिंट चेंज है, ठीक है, या कुछ और किस्म का है, तो जब वो फिंगरप्रिंट इसके ऊपर रखेगा तो मशीन उसका फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, ठीक है, उसको अलाउ नहीं करेगी कि वो इसको मशीन को यूज कर सके। ओके, जिस तरह बैंक्स में होता है, सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस में होता है, बैंक्स में होता है, ठीक है, तो मेन मेन जगहों के ऊपर ये लगे होते हैं थंब रिकॉग्निशन, इसको बायोमेट्रिक भी कहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ फिंगरप्रिंट्स हम क्या करते हैं, पीपल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है ना, और अलाउ करते हैं, और फिंगरप्रिंट रीडर जो होता है वो उसको रीड कर लेता है। जैसे यहां पर इसने फिंगर रखी और इसको रीड कर रहा है। ओके, तो दिस इज अ फिंगरप्रिंट। देखें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स हैं, हर एक का अपना फिंगरप्रिंट का स्टाइल है। नो टू फिंगरप्रिंट विल मैच विद ईच अदर, ठीक है, कोई से दो आपस में मैच नहीं करेंगे। इसका स्टाइल अपना है, हर एक का अपना अपना स्टाइल है। कोई आर्च शेप का है, ठीक है, कोई लूप में है, ठीक है, जैसे कि आपके पास ये देखें दिस वन इज आर्च शेप, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट स्टाइल के फिंगरप्रिंट्स हैं। तो एवरीवन हैज डिफरेंट फिंगर स्टाइल, राइट, और फिंगरप्रिंट उसको रीड कर देता है। ओके, देन वी हैव MICR, okay? What is MICR? MICR the magnetic ink character recognition. देखिए magnetic ink recognition, ये ink होती है, एक खास ink होती है जिससे लिखा जाता है, write किया जाता है, ठीक है ना। और ज्यादातर ये जो होता है writing जो होती है it is done on a bank check बुक, ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स के या बड़ों का कभी कोई चेक देखेंगे तो यू विल सी कि उसके ऊपर इस तरह नीचे जो है एक कोड लिखा होता है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक, ये जो कोड लिखा होता है दिस इज रिटन इन मैग्नेटिक इंक, ठीक है, और मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रीडर जो है वो इसको रीड कर लेता है। तो अब ये इसका बेसिक पर्पज क्या होता है कि ये एक तो परमानेंट होता है, इतनी जल्दी रब नहीं होता, ठीक है, और ये जो है आपको इसको रीड किया जा सकता है जब इसको रीडर के अंदर इन करते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी मशीन इसके लिए यूज की जाती है। तो ये जो है MICR कोड है, ठीक है, 0002110, ठीक है, और ये एक इंफॉर्मेशन भी देता है बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो इसके शुरू के कोड होते हैं, ये तकरीबन देखें 9 कोड्स 9 डिजिट्स है, जिसमें फर्स्ट 3 जो है This is about telling the city name. ये सिटी का कोड होगा, ठीक है, लेट से 000 इस्लामाबाद का हो सकता है, रावलपिंडी का हो सकता है, लाहौर का हो सकता है, ठीक है। देन जो ये
211 है, ये बैंक नेम होगा, ठीक है, बैंक नेम, ठीक है, बैंक नेम मीन आइदर ये हो सकता है आपका अल्फला बैंक हो, एचबीएल हो, ठीक है, पंजाब बैंक हो, तो इट्स डिपेंड कि ये कोड इसे असाइन किए हुए होते हैं। और देन फिर ये लास्ट थ्री डिजिट्स जो होते हैं विच रिप्रेजेंट दी ब्रांच नेम, ये कौन सी ब्रांच है। तो देखें एक आप अगर लेट से ये अल्फला बैंक है, सो व्हाट्स ब्रांच, सदर ब्रांच है, रावलपिंडी ब्रांच है, सॉरी सदर ब्रांच है, फैजाबाद ब्रांच है, ठीक है, या ये मरी रोड ब्रांच है, तो कौन सी ब्रांच है, ये इसके बारे में बता रहे होते हैं। तो ये जो आपके पास कोड होता है ये फिर बड़ा हेल्पफुल होता है, ठीक है, और ये प्रिंट कर दिया जाता है चेकबुक के ऊपर। जब इसको देखें इस रीडर में डालते हैं, ये वो रीडर है, ठीक है, जो इसको रीड करता है, जैसे ये कार्ड चेक इसके अंदर डाला जाएगा तो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगा, वो तीनों इंफॉर्मेशन आ जाएंगी कि ये कार्ड किस बैंक का है, किस ब्रांच का है और किस सिटी से आया, ठीक है, तो ये इजीली रीडेबल हो जाएगा। और इसमें अच्छी बात है बिकॉज इट इज रिटन थ्रू दी मैग्नेटिक इंक, तो ये रब भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, दैट इज वाई हम इससे लिखते हैं और इसको रिकग्नाइज भी कर सकते हैं इस कोडिंग स्कीम को। देखें हर एक ये कोड नहीं जानता लेकिन मशीन को पता है कि इन कोड्स का क्या मीनिंग है जो इसके ऊपर मेंशन किए गए, ठीक है, तो जो उसका मीनिंग होता है वो मशीन को पता होता है, मशीन उसको रीड करके वो सारी जो इंफॉर्मेशन है प्रिंट कर देती है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ओके, तो ये भी एक मेथड है रिकग्नाइज करने का, रीड करने का डाटा को, ठीक है ना। फिंगरप्रिंट देख लिया आपने, MICR देख लिया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, देन वी हैव जी दी ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क। अब ये क्या करता है कि एक लेंस होता है जो मार्क को रीड करता है, अब वो मार्क क्या हो सकते हैं, वो मार्क कोई डॉट भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह डॉटेड भी हो सकते हैं, एंड दे कैन बी अ क्रॉस, कुछ किस्म का भी मार्क हो सकता है जिसको रीड कर लेते हैं। और ये मार्क जो है वो नॉर्मली यूज होते हैं जैसे आप एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह जब यू विल बी ग्रोन अप तो आप फिर टेस्ट देंगे, बोर्ड के एग्जाम्स भी देंगे, ठीक है, आर्मी वगैरह के भी टेस्ट देंगे, तो वहां पर जो अभी एग्जाम शीट यूज करते हैं वो इसी की यूज करते हैं जिसमें ये ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसके ऑप्शन होते हैं, डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। अब आपने क्या किया, एक क्वेश्चन उसका ए बी सी डी ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन होगा आप उसको सर्कल कर देंगे, ठीक है, उसको कलर कर देंगे, कैसे, लेट्स से कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है तो आप इसको कलर कर देते, ठीक, तो ये जब आपकी शीट जो है उस रीडर के अंदर मशीन के अंदर डालेंगे तो वो मशीन खुद रिकग्नाइज कर लेगी कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं, ठीक है ना, वो जो मशीन है दिस वन, ठीक है, ये वो मशीन है, इसके अंदर हम पुटअप करते हैं, ठीक, आंसर्स को। अब लेट्स से देखें एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका डिफरेंट ऑप्शन दिए गए, लेट्स से क्वेश्चन नंबर टू है जिसका ऑप्शन है ए बी सी एंड डी, और उसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है, आपने सी को जो है कलर कर दिया, ब्लैक कलर कर दिया, ठीक है, एक इसी का जो की बुक है, ठीक है, इसी की जो की पेज है, इसके जो आंसर है वो कंप्यूटर में भी सेव किए हुए, इस क्वेश्चन नंबर टू का जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन टू का जो करेक्ट आंसर है, लेट से कि ये ए बी सी, ठीक है, या सिर्फ चले लेट से कि क्वेश्चन टू का आंसर सी इज करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, तो मशीन क्या करेगी, वो इसको इसके साथ मैच करेगी, अगर मैच हो जाता है तो वो देन इसको क्या करेगी, करेक्ट असाइन कर देगी, ठीक है, और अगर मैच नहीं होगा देन क्या करेगी, वो इसको रॉन्ग दे देगी, इस तरह ये मशीन इसको इजीली चेक कर लेती है। ये आपकी पूरी शीट है, ठीक है, इस पे 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन को उसने डॉट ब्लैक किया हुआ है, जो उसको ऑप्शन ठीक लगता है, जैसे हम कहते हैं आपको कि चूज द करेक्ट आंसर, तो आप क्या कर दिया, आपने इसको करेक्ट कर दिया विदाउट मशीन, जो है
वो तो टीचर इसको चेक करता है, बट जब आप इसको ओसीआर के थ्रू ओएमआर के थ्रू रीड करवाते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर के थ्रू, तो फिर आपको ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये खुद इसको रीड कर लेता है। होता क्या है कि ये जो 100 पेजेस की शीट है, इसका आंसर पहले से कंप्यूटर में सेव करके रख दिया जाता है, ठीक है। जब ये शीट इसके अंदर डाली जाती है, तो ये सारा रिजल्ट जो है, जो की आंसर की है, आंसर की जो है, वो इसके साथ मैच करता है। तो 100 में से जितने मैच सही हो जाते हैं, दैट विल बी द रिजल्ट, वो आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने मैच हुए, वही आपका आंसर होगा। देखिए, लेट से आपने इसमें 100 एमसीक्यूज थे, ठीक है, 100 में से अगर 70 मैच हो रहे, ठीक, तो फिर आपका स्कोर कितना होगा, 70, 30 मैच नहीं हो रहे, 30 इसका मतलब है आपकी मिस्टेक्स हैं। तो इस तरह फिर आप जो है हंड्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स के बहुत जल्दी पेपर्स चेक कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट होते हैं, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते हैं, वो ऐसे ही कर रहे होते हैं, पेपर इनपुट करते रहते हैं, ठीक है ना, और वो रीड आउट होता जाता है साथ साथ। ये देखें, मैं इसको रीड भी कर देता हूं आपके लिए। ओएमआर इज आल्सो कॉल्ड मार्क सेंसर, ठीक है, जी, OMR is also called mark sensor and OMR reader sense the absence or presence of a mark, कि उस जगह पे मार्क है या नहीं है। अगर मार्क होगा, ठीक है, अगर मार्क सही मैच हो जाएगा, इट्स मीन कि आपका आंसर सही है, सच एज पेंसिल मार्क, ठीक है, पेंसिल से इसको डॉट कर देते हैं। OMR is used to multiple choices test and to read lottery tickets, इस तरह की डिफरेंट चीजों में ये यूज होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ओके। देखें, आपकी बुक पे भी है इसी तरह, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। ये ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। देन वी हैव ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रीडर। अब वो मार्क को रीड करता था, ये किसको रीड कर रहा है, करेक्टर को। ओसीआर यूजेस प्री प्रिंटेड करेक्टर डेटा रीड बाय अ लाइट सोर्स एंड चेंज इन टू कोड। अ कॉमन ओसीआर रीडर इज द हैंड हेल्ड When OCR reader are used in read utility bills, prizes, tags and airline tickets, ठीक है, वो उसी तरह जो कोड लिखे होते हैं, आप जब किसी स्टोर पे या ग्रोसरी पे जाते हैं, तो ये ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होती है, वो उसके ऊपर रीडर को फेंकते हैं या रखते हैं, तो वो क्या करता है कि उसके बैक साइड पर जो कोड्स होते हैं, वो उसको रीड करके आपके लिए दे देते हैं, ठीक है। ये भी वही सेम उसी तरह, उसमें मैग्नेटिक इंक होती है इसके अंदर, ऑप्टिकल करेक्टर। देन वी हैव इमेज कैप्चरिंग डिवाइसेस। इमेज कैप्चरिंग यानी कि जो पिक्चर लेने की कैपेबिलिटी रखती हो, ठीक है, किसी ह्यूमन बॉडी या किसी नॉन लिविंग थिंग की, तो सबसे पहले आपको पता है डिजिटल कैमरा, ठीक है, आजकल तो बहुत डिजिटल कैमरा ऑलमोस्ट हर एक के पास है बिकॉज ऑफ द मोबाइल, वैसे भी अदर देन, ठीक है, मोबाइल भी आपके पास डिजिटल कैमरे बड़े अच्छे अच्छे क्वालिटी के आते हैं, जो किसी इमेज या पिक्चर को डिजिटलाइज कर देते हैं, यानी जीरो और वन की फॉर्म में सेव कर देते हैं। अ डिजिटल कैमरा कैप्चर्स इमेजेस, इमेजेस आर रिकॉर्डेड डिजिटली ऑन अ डिस्क और इन द मेमोरी ऑफ द कैमरा। नो फिल्म इज नीडेड, ठीक है, आपको किसी फिल्म की जरूरत नहीं होती। पिक्चर टेकन कैन बी व्यूड इमीजिएटली, दे कैन बी अपलोडेड एंड सेव ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। जब देखें आपने उसको डिजिटल फॉर्म में ले आया, इट्स मीन के वो बाइनरी बिट्स की फॉर्म में आ गई, सो इट्स मीन के आप इजीली जो है उसको कंप्यूटर के अंदर कॉपी पेस्ट और सारे ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नो फिल्म इज नीडेड, पिक्चर टेकन कैन बी व्यूड इमीडिएटली, दे कैन बी अपलोडेड एंड सेव ऑन अ
कंप्यूटर, ठीक। उसके बाद डिजिटल वीडियो कैमरा, जो डिजिटल कैमरा है वो इमेज को लेता है, तो जो डिजिटल वीडियो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, यानी मूवमेंट्स को भी रिकॉर्ड कर सकता है डिजिटली, ठीक है ना। अ डिजिटल वीडियो कैमरा रिकॉर्ड्स डिजिटल वीडियो क्लिप्स रेदर देन स्टिल इमेजेस, ठीक है, वो स्टिल इमेजेस लेता है, ये आपके मूविंग क्लिप्स को लेता है, ओके। यू नो, आप तो इस चीज सब चीजों को जानते हैं, ठीक है ना। ये तो अब आपके लिए, ये सारी डिवाइसेस आपके लिए यूजेबल है, ठीक है। जो पहली जनरेशन थी, जो लोग थे, उनके पास इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थे ये कैमरास, ठीक। अब तो आप जो अपने वीडियोस भी इजीली बनाते हो अपने मोबाइल कैमरे के थ्रू, ठीक है, और पिक्चर्स को भी लेते हो, दूसरे डिजिटल कैमरास भी होते हैं, तो आप इजीली इसके थ्रू फंक्शंस को परफॉर्म कर लेते, ठीक है ना। देन वी हैव वेबकैम, ठीक है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द वेबकैम। ये जो मेरी पिक्चर अभी आपके पास आ रही थी, या आपकी पिक्चर मेरे पास आ रही थी, ये जो बुक आपके पास शेयर हो रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ द वेबकैम, ठीक है। तो वेबकैम क्या करता है, आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, ठीक है, इंटरनेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करता है, और आपके इमेज को या आपके डेटे को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाता है। तो लैपटॉप के फ्रंट पे भी कैमरा लगा है, जैसे इस वक्त आप सारे बैठे हुए अपने कैमरास के आगे, ठीक है ना। इट इज आइदर बिल्ट इन कैमरा जो कि लैपटॉप के अंदर है, और जो है एक सेपरेट कैमरा भी हो सकता है। तो बोथ केसेस जो है वो हो सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो रही बात आपको? तो ये तीनों इमेजेस, डिजिटल कैमरा, देखें इमेज कैप्चरिंग की कितनी डिवाइसेस हैं, ये पूरा एक मेन टॉपिक है, ये याद रखना आपको, ठीक है। इसके अंदर तीन हेडिंग्स आ रही हैं, ये आपकी मेन हेडिंग है, ठीक है। इसके अंदर फिर ये हेडिंग, एक ए हेडिंग है डिजिटल कैमरा, ठीक है, बी जो है आपका द डिजिटल वीडियो कैमरा, और सी जो है वेबकैम कैमरा, ओके। तो ये आपको याद रखना है जी। आपके चले ओके जी, नाउ वी हैव ऑडियो बेस्ड इनपुट सिस्टम, ठीक है। ऑडियो बेस्ड इनपुट सिस्टम सप्लाई ओरल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर, तो ऑडियो जो है इनपुट कराना, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। तो एक तो सिंपल है, ऑडियो जो इनपुट की जाती है, जो हमने पहले देखा था, थ्रू विच इनपुट डिवाइसेस, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के थ्रू जो है हम ऑडियो को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद है वॉइस रिकग्नाइजेशन सिस्टम। तो वॉइस रिकग्नाइजेशन सिस्टम क्या है कि जो आपका वॉइस का पैटर्न है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, तो डिफरेंट साउंड वेव्स निकलती है, ठीक है, ड्यूरिंग, देखें आप इस तरह डिफरेंट साउंड वेव्स होती हैं, ठीक, तो वो उनके पैटर्न को रिकग्नाइज कर लेता है वॉइस रिकग्नाइजेशन सिस्टम, और फिर जो है उसको मैच करके या उस वॉइस के पैटर्न को मैच करता है, और फिर जब आप इसको चलाते हैं तो फिर वो सेव कर लेता है इसी पैटर्न को, और फिर आपकी वॉइस को रिपीट कर देता है, जैसे आप साउंड मैसेजेस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वॉइस रिकग्नाइजेशन सिस्टम आर यूज्ड टू ओरल कमांड टू द कंप्यूटर, ठीक है। अ माइक्रोफोन इज यूज्ड टू डिक्टेट टेक्स्ट और गिव कमांड्स। दीस सिस्टम्स आर यूज्ड बाय द सर्जन्स, पायलट्स एंड ड्राइवर्स हूज हैंड्स आर यूजुअली ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो वो कमांड्स जो होती हैं वॉइस रिकग्नाइजेशन, पहले आप क्या करते हैं कि आप अपनी स्पीच रिकग्नाइजेशन करवाते हैं डिवाइस को, तो बताते हैं कि ये मेरा वॉइस है, ये मेरा पैटर्न है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, फिर वो आपकी वॉइस फ्रीक्वेंसी और पैटर्न को अंडरस्टैंड कर लेता है। फिर जब आप उस मशीन को, ठीक है, या उस डिवाइस को या उस व्हीकल को जो कमांड देते हो, तो वो कमांड जो है वो क्या की रन कर लेता है, ठीक है, जैसे आप कहते स्टॉप, प्ले, ठीक है ना, ओपन, तो वो सारे आपकी वर्डिंग को अंडरस्टैंड कर लेता है उस वॉइस रिकग्नाइजेशन सिस्टम के थ्रू, उस वॉइस को वो पहचान लेता है कि ये उसी ऑथेंटिकेटेड यूजर की वॉइस है,
ठीक है, और इनको ये अलाउ है कि ये डिवाइस यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली वो लोग कर रहे होते हैं जिनके हैंड फ्री नहीं होते, वो डिफरेंट इक्विपमेंट को हैंडल कर रहे होते हैं, तो दैट इज वाई वो क्या करते हैं कि बाय हैंड टाइपिंग नहीं कर पाते या लिख पाते या टच कर पाते, तो वो डायरेक्ट क्या करते हैं साउंड के थ्रू स्पीक करके कमांड देते हैं। क्लियर? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, डिजिटल इंटरफेस। जी, हेल्प टू इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू अ कंप्यूटर, ठीक है, म्यूजिकल प्लेड इनपुट डायरेक्टली टू दी कंप्यूटर, ठीक है ना। वन मिनट मुझे जरा इसकी बैटरी वो लगा ले रहे हैं। जी ठीक है ना, जैसे आप अपना हैंड फ्री कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो कोई भी डिवाइसेस, ठीक है, जो जिसके थ्रू आप साउंड कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हो, ठीक है ना, तो वो डिवाइसेस जो है वो क्या है, MIDI, म्यूजिकल प्ले इनपुट, ठीक है, डायरेक्टली गिटार्स हो गए, दूसरी चीजें हो गई जिनको कंप्यूटराइज कंप्यूटर के किसी पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर उनका साउंड रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है ना। कभी आप देखते होंगे ना कोई डिफरेंट किस्म के जो अगर प्रोग्राम लगे होते हैं, म्यूजिकल शो लगे होते हैं, तो जो उसका उनका इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ बहुत सी वायर्स निकलनी होती है, तो वायर्स क्या होती है, वो MIDI के थ्रू कनेक्ट हुई होती है कंप्यूटर के साथ, ठीक है, फिर वो रिकॉर्डिंग करवा रहे होते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये तीन आपके इसमें बताए हैं वॉइस को इनपुट करने के तरीके, ठीक है ना, ऑडियो बेस्ड इनपुट सिस्टम, ठीक है ना, उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, यानी वो आवाज के पैटर्न को आपके अंडरस्टैंड कर लेता है, आपकी आवाज को पहचान लेता है, फिर कोई आप कमांड या ऑर्डर देते हो तो वो उसको कंप्लीट कर देता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल, ठीक है ना, तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनका जो वॉइस निकलता है, ठीक है, जैसे गिटार है या कोई और चीज है, वो पैटर्न जो है वो कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। क्लियर हो रही है बात आपको? ठीक है, जितने साउंड्स हैं, नेशनल सॉन्ग्स हैं, कार्टून्स हैं, ठीक है, इस तरह की डिफरेंट वॉइसेस निकलती हैं, तो वो उनको इन डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेते हैं। देन वी हैव सेंसर्स, ठीक है, सेंसर्स क्या होते हैं, सेंसर्स जो होते हैं वो सेंस करते हैं, ठीक है ना, अब वो डिफरेंट चीजों को सेंस कर सकते हैं, टेम्परेचर्स को सेंस कर सकते हैं, प्रेशर को कर सकते हैं, ठीक है, तो वो जैसे रूम टेम्परेचर होता है, जो सेंसर लगा होता है वो रूम टेम्परेचर होता है, बता देता है कितना हीट अप हो गया, कि फायर अलार्म जो है आपके फायर अलार्म क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं, अगर उसमें लिखा होता है कि अगर टेम्परेचर 40 या 50 या 60 डिग्री तक चला जाए, देन आपने क्या करना है, अलार्म जो है वो बोलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, तो वो वर्किंग शुरू कर देता है, उसमें आपको शोर मचाना शुरू कर देता है, अलार्म ऑन हो जाता है, तो उसमें सेंसर लगे होते हैं। सेंसर क्या करते हैं, किसी चीज को एनालाइज करते हैं और फिर सेंस करके आपको कोई ना कोई सिग्नल देते हैं। अ सेंसर मेजरिंग चेंजेस इन द टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट एंड सेंड देम टू द कंप्यूटर। द कंप्यूटर एनालाइज द रीडिंग, इफ दे एक्सीड अ नॉर्मल रेंज, देखिए मैंने आपको बताया है, नॉर्मल रेंज एक्सीड करते हैं द कंप्यूटर सेंड्स अ सिग्नल टू द ऑपरेट डिवाइस सच एज हीटर और अलार्म। इसी तरह आपके जो एसी होता है, एसी के अंदर भी डिफरेंट सेंसर लगे होते हैं, वो आप उसको सेट करते थे ना, तो आप उसका रूम टेम्परेचर अगर 20% कर देते तो वो 20 तक काम करता है, 30 पे कर देते तो 30 पे वो सेंसर उसको सेंस कर लेता है और फिर उस एसी को या जो भी चीज होती है उसको स्टॉप करवा देते हैं। ओके, चलिए बल्कि लास्ट टॉपिक रह गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, RFID जिसे बोलते हैं, ये RFID टैग्स होते हैं, ठीक, इनके अंदर से रेज निकल रही होती है, तो ये जो रेज होती हैं वो या एक छोटी सी चिप या टैग लगे होते हैं, ठीक है, जो ये इनमें से रेज निकल रही होती हैं वो मैग्नेटिक रेज होती हैं और वो कैच कर लिया जाती हैं जो भी एंटीना या वायरलेस एंटीना या जो भी चीज लगी होती है उसके थ्रू, ठीक है ना, तो ये हेल्पफुल होता है आपके, ये भी एक सेंसर होता है, ठीक है, डिफरेंट चीजों के ऊपर ये टैग्स लगा दिए जाते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज इस वक्त कहां पर मौजूद है,
ठीक इस वजह से भी चेक कर सकते हैं और ये आइडेंटिफाई भी कर सकती है आपको, लोगों को या प्रोडक्ट को. रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज यूज टू ट्रैक ऑब्जेक्ट, देखिए ट्रैक करने के लिए पता लग जाता है जब वो वहां से गुजरती है चीजें, कोई चीज वहां पे अगर उसके ऊपर वो टैग लगा है. RFID chip or tag attached to them. These tags or chips contain stored information that can be read from a distance using wireless technology. ठीक है ना? Let's say के देखें. Let's say के ये जो person है, इसके साथ ये tag लगा हुआ RFID का. ठीक? तो ये क्या कर रहा है? इसमें से different rays निकल रही हैं. ठीक है? तो ये जब इधर इसमें से पास करेगा या अगर किसी और जगह से पास करेगा, ठीक है, सेंसर में से या यहाँ पर RFID जो एंटीना है जो मैग्नेटिक रेस को कैच करता है, तो वो फौरन इसको कैच कर लेंगे. ठीक. और इसका सारा डाटा जो है वो कंप्यूटर के ऊपर प्रिंट कर देंगे या किसी भी चीज के ऊपर. इस तरह ये पता लग जाएगा कि ये पर्सन ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, क्योंकि हमने टैग उसी को दिया होता है जो इसको रीड आउट कर सके. ठीक है ना? तो ये RFID टैग्स होते हैं. क्लियर हो रही है बात आपको? ठीक. इसके अलावा देखें, आप अगर अगर जाते हैं डिफरेंट जो थोड़ी सी एडवांस किस्म की शॉप्स हैं, जब उन पे ऑर्डर बुक करते हैं, ठीक है, किसी बड़े मॉल में जाएं या इधर जाएं, तो जैसे ही ऑर्डर बुक करते हैं तो कुछ शॉप्स वाले जो होते हैं, जैसे KFC वाले हो गए और जो इंटरनेशनल ब्रांचेस वाले, वो आपको एक बैच सा दे देते हैं. ठीक है. वो क्या होता है? वो बैज जो होता है RFID होता है. वो कहते हैं कि जब इसकी लाइट ब्लिंक करे तो आप हमारे पास आ जाइएगा, अभी आप बेशक फिरते रहे. तो क्या उसमें से जो रेज निकल रही होती हैं वो कनेक्ट होती हैं उनकी शॉप के ऊपर जो एंटीना लगा होता है. तो जैसे ही वो सिग्नल कंप्लीट होते हैं, सिग्नल देते हैं, तो वो आपका जो उन्होंने आपको डिवाइस या टैग दिया होता है वो ब्लिंक करना शुरू कर देते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपका ऑर्डर रेडी हो गया और आप फिर वहां चले जाते हैं. तो ये बड़ी एक कॉमन एग्जाम्पल है इस चीज की. ओके. तो साथ ही आपका ये चैप्टर 2 भी इसमें कंप्लीट हो गया. अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है, साथ साथ जो इसकी डिटेल भी बता दूंगा, सेंड कर दूंगा, और जो कुछ जो होंगे आपने खुद करने होंगे और खुद मैं कुछ मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. ऑब्जेक्टिव मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में सारा करा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में. तो अभी जो मैंने ये चैप्टर 2 पढ़ाया है सारा, ठीक है, इसको अच्छी तरह देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा.